इंट्रो दे दूं? दे दो। आपसे भी दिलवा के देखूं भाई, कैसे दे दो आप? मेरे को बिल्कुल आता नहीं है। तभी तो ये चीजें तो देखनी है। Hi guys, welcome back to Archit's channel. आज हम करने वाले हैं meme reaction. कितनी awesome है। तो आज की वीडियो में मेरे साथ है आप सबके चहेते बहुत ही खूबसूरत, जिन्हें मैं आप सबकी डिमांड्स पे लेके आया हूँ। मेरे को नहीं पता कि ये कैसे रिएक्ट करने वाले हैं आज वाले मीम्स पे। हमारे में ब्रह्मांड के कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के मैं मीम्स लेके आया हूँ। कैमरा ऑन होती है मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अरे बस कर भाई। एंड आज इप्सिता देख रही होगी भाई ये इतना बोलता है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। जस्ट इमेजिन अ गर्ल जो तुमसे ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारे से इतनी लॉयल हो कि तुम्हारे अलावा किसी को देखे ना, हर बात तुमसे पूछ के करे, तुम्हारा कहना माने, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें खोने से डरे, तुम्हें माँ की तरह प्यार करे। बस इमेजिन ही करते रहो भाई, मिलने तो नहीं ऐसी लड़की। इतना सच। हाँ, बॉयज की नजरों से तो इसने सच बोल दिया। अक्षय आपके क्या कहना है कि मतलब क्या लड़कियां सच में नहीं मिलनी बंद हो चुकी है, मार्केट में आनी बंद हो चुकी है, क्या हो क्या गया? होती है बट आई थिंक अभी के जनरेशन में काफी रेयर है। क्या तुम हो वो लड़की? हाँ मैं बिल्कुल हूँ वो लड़की। शर्म करो, भगवान से डरो। वाह यार अपने मुंह मियां मिट्टू। रिमेम्बर व्हाट जैकलिन वन सेड। इप्सिता आप हेडफोन्स यूज कर रहे हो ना? नहीं ठीक है, कोई है नहीं। आप लोग गाइस घर में बैठे हो तो आपके आसपास कोई हो सकता है, तो आप हेडफोन्स यूज कर लीजिए क्योंकि आज के मीम्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। How much long you have kissed in your life? 30 seconds, 2 or 3 seconds. Maybe 1.5 minutes. 5 minutes I guess. 6 point. Maybe 1.5 minutes. 3-4 बार हुई है, 5-7 सेकंड की हुई होगी। 10 minutes. Nearly 40 seconds. 10-20 seconds. जब तक सामने वाला पार्टनर कहना दे कि दर्द हो रहा है अब छोड़ दो। 2 minutes. 2 minutes. 4 to 5 minutes. आपने फर्स्ट किस किस उम्र में किया था? 19, 16, 21, 19, 13, 12. I was 16, 18 में. 18. Probably about 30. Ipshita was like, मैंने कभी handshake नहीं किया, ये किसकी बातें कर रहे हैं? True, this very true. And 12. हाँ, मेरा भी focus उसी पे गया। कहती 12, मैंने कहा ये क्या भाई? ये तो 12 में इनके। वो वाली pencil नहीं होती थी जिसके ऊपर वो होता था। वो शकला का boom boom. उससे मैं इतना एक्साइट हो जाती थी। क्या बात है सर। तो जब अपने उस उम्र में उन चीजों से एक्साइट हो रहे थे तभी ये बंदी चुम्मियां ले रही थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जो ये डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं, जितने भी डायरेक्टर जो हॉरर मूवीज बनाते हैं, रोनी फिल्म है, ये दरवाजों में तेल क्यों नहीं लगाते हैं? हर दरवाजों में आवाज आती है। वो तेल कहीं और लगाते हैं। मैं तो कुछ कहने वाला, मैं बस ये कहूंगी सबने हेडफोन लगा रखा है। और देखो कितनी डेरिंग बंदी है भाई, मतलब ऐसे ऐसे बीम से और ये हेडफोन भी नहीं लगा रखे। हेलो अभी भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे। मतलब जज्बा हो तो ऐसा देख रहे हो। बाय द वे गाइस, आप लोग तेल सिर्फ अपने बालों में लगाओ और कहीं मत लगाओ। प्यारी समझ गई गाइस। वीडियो पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी रिसेंटली मामा अर्थ का कर्ट स्मूथिंग शैम्पू यूज कर रहा हूँ फॉर माय फिजी हेयर एंड विद कंडीशनर। तो ये जो मामा अर्थ का कर्ट स्मूथिंग शैम्पू है ना, इसमें है कर्ट विद कैरेटीन, कर्ट जिससे मैं और हम सभी लोग घर पे हेयर मास्क बनाते हैं ताकि बाल स्मूथ हो, और इसमें कैरेटीन भी है जिससे बाल काफी स्मूथ रहते हैं। और जो कंडीशनर है उसमें भी कर्ट और कैरेटीन दोनों है और ये दोनों सेम रेंज के हैं। जो शैम्पू अगर उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो देख सकते हो आप लिक्विड है ऐसा होना चाहिए एक अच्छे शैम्पू को, और जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो काफी माइल्ड है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो कंडीशनर है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, और अगर मैं कंडीशनर की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हो काफी थिक है। तो मैं इसको अपने बालों में लगाकर अच्छे से अपने बालों को क्लीन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्या रिजल्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हेयर काफी स्मूथ हो चुके हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको नियर बाय लोकल स्टोर्स में मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपको कोई भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना हो वो आपको इजिली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका पे मिल जाएंगे। एंड गाइस, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे AVL2023 तो आपको मिलेगा स्ट्रेट 20% ऑफ official Mama Earth website. And every time you buy a product from Mama Earth, they link your purchase to a tree which they plant. And by 2023, they are aiming to plant 1 million trees, which is a great initiative. Do not forget to check out the products, link in the description. Between best friend and boyfriend, whom would you pick? Best friend. Correct, best friend. Sunny jeet jata hai har jagah. Jali na, teri bhi jali na. Best friend. Best friend. Best friend. Best friend. Best friend. बॉयफ्रेंड उनके मतलब नहीं है आजकल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इप्सिता आपका भी बेस्ट फ्रेंड होगा यार? नहीं, मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरा। अरे यार मेरा दिल टूटने की आवाजें क्यों आ रही है अंदर से, क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, तेरा नाम भी लिया अर्चित, कोई बात नहीं अर्चित। अरे अरे हाँ, कह रही थी वो अर्चित है मेरा बेस्ट फ्रेंड। साले मजाक बना के रखते, झूठ देख रहे हो गाइस, कैमरे के सामने झूठ बोला जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि मतलब बेस्ट फ्रेंड बनने में ज्यादा स्कोप है या बॉयफ्रेंड बनने में ज्यादा स्कोप?
आई थिंक बेस्ट फ्रेंड या बिकॉज बेस्ट फ्रेंड से यू नो गर्ल्स सब कुछ शेयर कर लेती है इजीली सब कुछ शेयर कर लेती है बहुत तेज हो रहे हो हैं आपको जुदाई सही सुनाई दिया ना ओके इप्सी ये हंस क्यों रहे हैं पता नहीं आप हंस रहे हो मैं तो नहीं हंस रही सलमान भाई ने बोला कि आपको जुदाई सुनाई दिया मेरे को जुदाई सुनाई दिया वही सुनाई दिया मुझे अगर मैं ये 10 बार कंटिन्यू बोल दूं ना जुदाई जुदाई मतलब उसके बाद कुछ और सुनाई देगा सर एक बात बताइए जी आपने नेहा जी को बैठने के लिए सीट दे दी मेरे को क्यों खड़ा रखा हुआ है अरे मैं खड़ी हुई हूँ यार ऐसे मत बोला करो यार शॉर्ट गर्ल्स आर क्यूट यार इप्सी भी देखो शॉर्ट है बट क्यूट है ना देखा मैंने तारीफ कर दी तुम्हारी 30 रुपए पेटीएम आ जाने चाहिए हाय गुड इवनिंग हाय सो कैन वी जस्ट मेकिंग अ वीडियो ओके ओके So we are just giving chocolates to everybody. Okay, it's actually my sister is pregnant. Oh, congratulations. So, yeah, I'm going to be a father. I'm sorry, just for a video. लोगों ने रील के लिए किया है ना ये चूतिया जनरेशन. Bye. Thank you. Auntie Savage. आंटी के घर में भी ऐसे बच्चे होते होंगे तभी आंटी बोल रही कि क्या ये हर जगह घर में भी ये तमाशा लगा रखे बाहर भी ये ऑनलाइन कोचिंग हाँ बेटा ऐसे ही 100 बार करो बैक तुरी में आके आपने कभी ऑनलाइन कोचिंग ली नहीं मतलब ऐसी नहीं ली तो रशियन है हाँ रशियन है काहे की रशियन है पूरा रशिया तो कवर करके रखा है अरे ये हमारी सेक्रेटरी है इसको हिंदुस्तान देखना था तो हमारे साथ घूमने आ गया है आप हमें इंडिया दिखाएंगे आप हमें थोड़ा रसिया दिखाइए हम आपको थोड़ा इंडिया मतलब मैं जितना रशिया से दूर जा रहा हूँ ना उतना ही रशियन मीम्स मेरे सामने आ रहे हैं वो परफेक्ट रशियन वाली आपको अच्छी लगी मेरी रशियन वाली रील हाँ बिल्कुल क्या मन रखने के लिए बोल देती हूँ हाँ बिल्कुल अर्चित को तो क्या ही पता चलेगा अरे ठीक है अभी जरा मम्मी को फोन दे बेटा प्लीज हाँ, ये लो मम्मी हाय जीजा जी बबीता बोल रही हूँ ले भैया बबीता जी भाई पप्पू तो यार शुगर मम्मी बनाने को फिर रहा है बहुत कमाल लगा भेड़िया में तुम यूं करके लेटे हो निक्कर में से सांप आता बाहर मैं ये पूछना चाह रहा था वो तुम्हारा पर्सनल सांप था या VFX था नहीं नहीं मम्मी बनी है इनकी नई नई शादी आलिया डोंट गेट मी रॉन्ग मैं पालतू वाले सामने इनके सामने ये बात करना शोभा देता है तुम गलत समझ रहे हो ये मम्मी बनी है लेकिन इसका दिमाग अभी भी आलिया डोंट बी नॉटी ओके ये बताइए आप VFX था या पर्सनल था दैट वाज अ रियल स्नेक मैं पहले कह रहा था सांप बहुत बड़ा सांप की बात हो रही थी ओह ये सांप सांप ही समझा मैं आप क्या समझे हाँ मैं भी सांप ही समझी ये बॉय आत्मराम तुकराम भिड़े वन सेठ हेलो हेलो हाँ हेलो अरे ये पेंचोर अनएक्सपेक्टेडली आया अगर मैं 10 ओवर खेल गया तो उसके बाद मैं आउट अपने गलती से ही हो सकता हूँ मुझे बॉलर नहीं आउट कर सकते अरे भाई मेरे पहले तू 10 बॉल तो खेल ले 5 बार से ड्रीम इलेवन में कैप्टन बना रहे तुमको 5 बार से सब में पैसा तू डुबा दिया मेरा भाई पहले तू 10 बॉल खेल ले कम से कम बढ़िया से इप्सी वाज लाइक कि मेरे को तो पता ही नहीं किसकी बात हो रही है यहाँ पे अरे आपको कैसे पता इप्सिता यहाँ पे हो रही है कि हॉकी में जब 10 ओवर मिलते हैं ना तो एक गोल लग जाता है फुटबॉल में इसकी बात कर रहे हैं वो एक गोल नहीं मार पा रहा Okay. अरे क्या क्या करूं मैं इसका क्या करूं अरे मुझे से क्या करने लगा आप सनी लियोनी है ना यस गॉड मैंने आपकी एक एक फिल्म 50 बार देखी है ना 50 बार समझ रहे हो
and I love your performance. You're a great actor. बहुत natural हैं आप. और हिंदुस्तान में कोई ऐसी heroine है नहीं आप जैसी. You are the best. You're so sweet. Thank you so much. लेकिन अब तुम भी मेरे साथ perform करोगे. What? Yeah. अब तुम भी मेरे साथ परफॉर्म करोगे. वो किसी और फिल्म की बात कर रहा था एंड वो किसी और की. पापा यार जल्दी निकलो, क्या कर रहे हो अंदर इतनी देर से? अरे पेशाब कर रहा हूँ यार, रुक जा. अरे यार तुम सुबह से पेशाब भी कर रहे हो, मेरी लैट्रिन आ रही है इतनी देर. ठीक है समझ गया. समझ गया क्या कर रहे हो आज? मेरा एग्जाम, मुझे एग्जाम देने जाना है. उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई? अरे यार पापा इसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी थी. अरे यार हो गया. आंटी बेटा मम्मी है, मम्मी तो आंटी. अरे भाभी जी मेरा कच्चा फट गया है, उसका आपका पेटीकोट सिलवा दूं क्या? मम्मी जब आ जाएंगे बता दूंगा आप. थोड़ा सा अस्तर लगेगा नीचे जैसे पीला और लाल. अरे यार पापा तुम नौकरी वोकरी करते नहीं, पूरे दिन यहाँ पड़े रहो घर में. अजी मेरा कद्दू कर रहा है नौकरी. तो नौकरी नहीं कर सकते तो कम से कम तमीज से बात तो कर लो सबसे. ऐसे तो बात मत करा करो. तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा. पापा ने स्टेटस लगा दिया, देखते हैं. तो मेरे दोस्तों कभी भी एक बात ध्यान रख लेना, कुत्ते पर भरोसा कर लेना लेकिन अपने बच्चों के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना. अरे यार इन्होंने फिर बात बात देख ली. आप ही सच दिखा दिया. वाह यार नाइस. अरे क्या नहीं बबीता जी, ये क्या? अरे होली एक ही बार तो आती है साल में. मैं कहा रोज रोज आपको कलर लगाने आता हूँ. सही बात है. आज आप कुछ ना कुछ नहीं सुनूंगा. कुछ नहीं सुनेंगे आज जेठा भाई. रोस्ट कर दिया दया भाभी को. मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत को ही रंग लगाता है. एग्जैक्टली. पापा जी आपको तो पता होगा, पापा जी को तो पता हो सेलिब्रिटी का मतलब. सुबह सुबह भेंटो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके ट्विटर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो. थोड़ा अलग वे में बोल. पापा जी थोड़ा अलग वे में बोल गए गाइस. थैंक यू सो मच आप लोग, आपने मेरे को मेरा लिप पसंद किया, मेरा पेट पसंद किया. आप गाइस कभी शी तुम्हें भी इसका लिप और इसका पेट पसंद आ रहा है मुझे लग रहा है. अरे बताती नहीं है, थोड़ा हल्के हल्के शर्माती है ये बताने में, बट ये इसको इसकी लिप्स बहुत पसंद आ रहे हैं. तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई होप आपको आज का ये वाला वीडियो एकदम मजेदार लगा होगा. हम दोनों ने आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे मीम्स थे. आई होप आप सभी ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा. तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं और इप्शी दोबारा एक और वीडियो बनाए, गाइस इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स करवा दो जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लाए साथ में. दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट.